सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोच को अपने ले आओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस सांस से कि तूफान भी झुक जाए। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा देगा। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। आज का पंचांग 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 2:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:52 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और प्रभावी है जो आज आपके हितैषियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड़े आपका साथ देंगे और जीवन की महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। इन दिनों आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत अधिक मेहनत की है। आपका बोलचाल का लहजा भी प्रभावशाली होता जा रहा है। आपके ये गुण आपके आर्थिक व व्यावसायिक मामलों में बहुत अधिक सफलता प्रदान करेंगी। यात्रा से संबंधित सोच विचार किया जाएगा, इस कारण नए लोगों के साथ परिचय होगा। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। यात्रा के अनुभव के कारण आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। लोगों से मिली प्रशंसा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित भी होगी। अपने काम में आप पारंगत हैं, फिर भी काम से संबंधित नई बातों को सीखने की कोशिश करें। आप रिलेशनशिप से संबंधित सभी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएंगे। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। मित्रों से अपेक्षित सहयोग मिल सकता है। भागदौड़ की अधिकता भी रह सकती है, किंतु यह भी भले के लिए ही रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा भी रह सकता है। सावधानियां, कभी कभी अपने बारे में ही अधिक सोचना कुछ स्वार्थ पर आने की वजह से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर इन गुणों को नकारात्मक रूप में उपयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मेहमानों के आने से चहल पहल व खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात भी पुरानी यादें ताजा करवाएगी। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त भी है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि यह पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगा। बात करते हैं करियर की। आज आप व्यवसाय की तरह सोचेंगे और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा, पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकती हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। आज पेमेंट कलेक्ट करने के लिए दिन उत्तम है। आर्थिक स्थिति बेहतर भी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम पूरे होंगे। नौकरी पेशे लोगों को स्थान परिवर्तन की खबर भी मिल सकती है।
बात करते हैं सेहत की। जिन लोगों को बीपी की समस्या है वह लापरवाही ना बरतें। आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसे कि आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। आज का उपाय, लक्ष्मी माता जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।